हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हब राउटर एंड स्विच के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पैकेट फ्लो के बारे में डिस्कस किया था दो कंप्यूटर अटैच करके। टुडे क्लास में बात करेंगे राउटर स्विच हब कैसे वर्क करता है। उसके बाद जो हम पैकेट फ्लो देखेंगे तो राउटर स्विच को कनेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि हब अभी यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में, बट हब का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि हब काम कैसे करता था और अभी ये यूज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले हम हब के बारे में देखते हैं, हब कैसे वर्क करता था और इसके क्या डिसएडवांटेज थे, क्या इसके एडवांटेज थे, तो वो बात कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो हब। हब किस लिए यूज होता था? हब इज यूज या कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, अब किस लिए यूज होता था? टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, अब वर्क ऑन कौन सी लेयर पे? फिजिकल लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर पे काम करता था? अब फिजिकल लेयर पे। अब ऑपरेट ऑन अ हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मीन्स सिंगल वे कम्युनिकेशन ना। अब आर इन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, हब डोंट हैव एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड सो वी कैन नॉट रन एनी प्रोटोकॉल इस पे। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर कैसे हम कोई प्रोटोकॉल यूज करेंगे? ठीक है, तो हम इसको कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं कर पाएंगे। तो मेनली यार हब ये होता है कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। नोट कर लिया सबने? ओके, देखो होता क्या है। सपोज ये हब है, देखो मतलब क्या यूज क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आप घर में मान लीजिए एक सॉकेट है, ठीक है, और आपको दो मोबाइल के चार्जर लगाने हैं या दो कोई सिस्टम कनेक्ट करना है, तो आप मार्केट से एक्सटेंशन बोर्ड लेके आते हो ना, कैसे कनेक्ट करोगे? अगर मेरे पास एक ही स्लॉट है, दो वायर आपको लगानी है, तो कैसे करेंगे? कोई मीडियम होना चाहिए ना। तो क्या है, जैसे हब है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल पोर्ट होंगे तो आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिवाइस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो बट ये फिजिकल लेयर पे काम करता है और डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट हब इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस। अब क्या होता है, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर
अगर मुझे बात करनी है, पीसी वन वांट टू कम्युनिकेट टू पीसी थ्री, ठीक है, पीसी वन को पीसी थ्री से बात करनी है, तो क्या होगा हब में? ट्रैफिक यहां पे आएगा हब पे, हब इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है, तो हब क्या करेगा? बिना सोचे समझे एक इधर एक इधर, ठीक है, सबको दे देगा, ये सबको दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, ठीक है। उसके बाद में अपना पीसी चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट मेरे लिए है या नहीं है, वो ड्रॉप करेगा, डिस्कार्ड करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो बात की बात है। बट अभी क्या कर रहा है हब? हब तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, सबको दे रहा है, बट पीसी वन को इससे बात करनी है, तो इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, इसको ऐसा क्या हुआ फिर? तो हब क्या कर रहा है? दोनों को दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? जब ये हब लगा हुआ है, इस इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, तो क्या हो रहा है? कंजेशन हो रहा है। कंजेशन कहाँ हो रहा है? लिंक पे, नेटवर्क पे कंजेशन आ रहा है, मतलब ट्रैफिक अननेसेसरी का बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए इतना। भाई जब आपको ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप घूम के क्यों जाओगे? जब आपको रास्ता पता है, जब आपको पता है कि इधर जाना है, तो इधर क्यों जाओगे? जहां पे आपको जाना है आप वहां पे जाओगे ना, उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। अब ये मतलब कि एनर्जी क्यों खराब करेगा बंदा, जब जहां जिसको जाना है वो वहीं जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब होगा क्या? देखो इसके क्या इशू आएगा वो देखो। अगर मैंने यहां पे हब कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस हब से मल्टीपल लाइक फोर सिस्टम कनेक्ट है, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, हब से मल्टीपल सिस्टम अटैच है। अब क्या करेगा? मान लो वन को टू से बात करनी है, ठीक है, तो ट्रैफिक आएगा यहां पे, हब क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, तो ये वाला लिंक और ये वाला लिंक अननेसेसरी में कंजेशन हो रहा है ना, यहाँ पे होना चाहिए, पैकेट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट अब क्या है? अब इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस, अब क्या करेगा? सीधे कोई भी पैकेट आएगा तो हब ऑलवेज मल्टीकास्ट, सॉरी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब अगर इसने डेटा भेजना है किसी को, तो हब फिर से क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अगर इसको इससे कम्युनिकेट करना था, तो यहां पे तो नहीं जाना चाहिए ट्रैफिक। इनिशियली अगर चला भी जाता है, बट ये बार बार भेज रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, कोई टेबल मेंटेन ही नहीं कर रहा है, ये टेबल मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर कोई टेबल मेंटेन नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा? राउटर स्विचेस क्या आर्प टेबल मेंटेन करते हैं, राउटर आर्प टेबल मेंटेन करता है, स्विच कैम टेबल मेंटेन करता है, डिवाइस आर्प टेबल मेंटेन करता है। तो जब तक कोई डिवाइस टेबल मेंटेन नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा? वो तो बार बार उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो इशू है ना, हमारे लिंक पे अननेसेसरी कंजेशन हो रहा है ना, हमारे लिंक पे अननेसेसरी कंजेशन हो रहा है, पैकेट अननेसेसरी ट्रेवल कर रहा है इधर से उधर, ठीक है। और यहां पे हब में क्या दिक्कत है? हब में क्या होता है? रिक्वेस्ट पैकेट एज वेल एज रिप्लाई पैकेट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट,
लास्ट क्लास में हमने चेक किया था ना कि जो आर रिक्वेस्ट पैकेज था वो ब्रॉडकास्ट था, बट रिप्लाई पैकेट क्या था? यूनिकास्ट, क्योंकि पीसी टू ने आर टेबल क्या कर ली थी, मेंटेन कर ली थी, ठीक है, बट बीच में जो हब लगा हुआ है वो तो इंटेलिजेंट डिवाइस है ही नहीं, वो बार बार क्या कर रहा है, वो जब भी उसके पास कोई पैकेट जाएगा वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो दिक्कत है ना, अननेसेसरी क्या हो रहा है, लिंक पर कंजेशन हो रहा है, डिवाइस मतलब क्या कर रहा है, डिवाइस खुद का कोई काम नहीं कर रहा है, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है, वो कोई टेबल मेंटेन नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या करता है, कोई पैकेट आता है उसको भेज देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखो, बेसिकली जो अपना आर्प पैकेट था लास्ट क्लास में हमने चेक देखा था ना आर्प मैसेज के बारे में, तो जो आर्प मैसेज था वो कितने टाइप का था, दो टाइप का था ना, एक क्या था आर्प रिक्वेस्ट, दूसरा क्या था आर्प रिप्लाई, ठीक है, ये क्या था ब्रॉडकास्ट, और ये क्या था यूनिकास्ट था ना, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में एक आईसीएमपी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आईसीएमपी टाइम आउट कितना होता है, 2 सेकेंड, ठीक है, वेट करेगा 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड में अगर ये रिप्लाई आ जाता है तो सक्सेस, अदरवाइज ड्रॉप, ठीक है, वर्क ऑन लेयर 3, ठीक है, और किस लिए यूज होता है, चेक टू चेक कनेक्टिविटी के लिए, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखो, अब हम हब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी गाइस समझ लो, आपको जो वीडियो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, तो क्लास में आप समझ लो, वीडियो आप मिल जाएगी तो आप वीडियो से चेक कर, ठीक है। हब क्या बताया था, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है ना, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट no matter packet either unicast or broadcast, अब के पास कुछ भी पैकेट आएगा तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, चाहे वो यूनिकास्ट आए और चाहे वो ब्रॉडकास्ट आए, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था हब का, देखो हब क्या, एडवांटेज क्या था, कॉस्टली, कॉस्ट क्या थी, लो थी ना, जब डिवाइस आपका इंटेलिजेंट है ही नहीं तो कॉस्ट तो लो ही होगा ना, बट इसके क्या है एडवांटेज, तो ठीक है, बट अगर अगर आप देखो कंपनी जो है वो तो कॉस्ट तो चलो ठीक है देखती है, बट इतना भी कॉस्टली नहीं होता ना हब, ठीक है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो कम है पर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज देखो क्या है,
पहला तो ये मल्टीपल पीसी अटैच है, ठीक है। अगर वन को टू से कम्युनिकेट करना है तो ये ट्रैफिक यहां भी जा रहा है, क्योंकि तो हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, तो कोई कॉन्फिडेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर तो, ठीक है। वो तो हर बार ही भेजेगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल नहीं है ना आपका डेटा, सिक्योरिटी पर्पस से नहीं है ना, कॉन्फिडेंशियल ही नहीं है, वो तो हर बार भेजेगा। तो एज पर सिक्योरिटी पर्पस तो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहा ही नहीं आपका, ठीक है। और क्या हो रहा है डिसएडवांटेज, कंजेशन ऑन लिंक, अननेसेसरी कंजेशन ऑन लिंक, बेकार में जा रहा है, जहां जाना नहीं चाहिए था वहां भी जा रहा है, ठीक है। बट एक चीज और यार देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइक 11.1 का नेटवर्क है, यहाँ पे 12.1 का कर दूंगा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों तो नहीं होगा, नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हेन देयर इज डिफरेंट नेटवर्क। 11.1 12.1 डिफरेंट नेटवर्क में है ना, तो जब डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ हब, ठीक है। इरेज कर दू, तो ये ओवरव्यू आपका हब के बारे में था, बट अब हब यूज नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। डिसएडवांटेज आपने देख ही लिए, तो अब हब यूज नहीं होता है। बट यार आपके ना दो टाइप है, आपके दो टाइप थे वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक होता है पैसिव और एक होता है आपका एक्टिव, ठीक है। पैसिव क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, जैसे आपके पास डेटा आएगा वो सेम ऐसे भेजेगा, ठीक है। क्या मतलब है, जिस इट विल फॉरवर्ड, इट विल फॉरवर्ड द डेटा इन द सेम फॉर्मेट, जैसे इसके पास डेटा आएगा वैसे इसको आगे भेज देगा, भेजेगा तो सभी के पास, सेम फॉर्मेट में भेज देगा। ये क्या करेगा, डेटा की स्पीड मतलब एम्पलीफिकेशन कर देगा, कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ, कुछ जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो लाइक का एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये ओवरव्यू था हब का, तो हब का ओवरव्यू काफी है, क्योंकि तो हब यूज नहीं होता है मार्केट में, तो आपको बट पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये ओवरव्यू हब का। बात करेंगे स्विच के बारे में, ठीक है। स्विच में लिखो, इट वर्क्स ऑन लेयर टू, मतलब क्या हो गया, इट इज ए लेयर टू डिवाइस, ठीक है। इसमें लिखो, स्विच ऑपरेट ऑन फुल डुप्लेक्स, किस पे ऑपरेट करता है, फुल डुप्लेक्स पे, ठीक है। अब क्या था, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था,
बट स्विच क्या है, स्विच आर इंटेलिजेंट डिवाइस, स्विच क्या है इंटेलिजेंट डिवाइस, बट हम क्या था, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था। स्विच क्यों है इंटेलिजेंट डिवाइस, बिकॉज इट मेंटेन टेबल, मल्टीपल टेबल मेंटेन करता है। आर्क के लिए कौन सी टेबल मेंटेन करता है, कैम टेबल, कौन सी टेबल मेंटेन करता है, कैम टेबल, ठीक है। स्विच हैज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वी कैन यूज एनी प्रोटोकॉल, क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। और इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, जैसे आप हब में कनेक्ट कर सकते थे वैसे आप स्विच में भी तो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, स्विच में भी कनेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, कैम टेबल मेंटेन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कोई स्विचिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इरेज कर दूं, नोट कर लिया आपने, ये जस्ट ओवरव्यू था स्विच का, कैसे काम करेगा वो अभी बात करें। ठीक है, और लिखो इसमें, स्विच कैन यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, अब क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, और स्विच क्या कर सब कर सकता है, यूनिकास्ट पैकेट आएगा यूनिकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट आएगा तो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्विच का ओवरव्यू था, ठीक है, और थोड़ा सा स्विच के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो स्विचिंग के अगर मैं टाइप की बात करूं ना, टाइप्स ऑफ स्विचिंग, ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग की बात करूं तो एक आपका होता है लेयर टू स्विच, ठीक है, लेयर टू स्विचिंग, और एक क्या होता है आपका लेयर थ्री स्विचिंग, और आपका मल्टी लेयर, क्या होता है, मल्टी लेयर स्विचिंग, ये आपके स्विचिंग के टाइप है, ठीक है, क्या है ये स्विचिंग के। देखो तो इनमें डिफरेंस क्या है, लेयर टू स्विचिंग क्या होता है, जब डेटा आपका स्विच होएगा, डेटा स्विच होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर टू क्या है, मैक एड्रेस है, ठीक है, लेयर थ्री में क्या है, आईपी एड्रेस, तो जब डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा आईपी एड्रेस की जब भी यहाँ पे जाएगा तो दैट इज का लेयर थ्री स्विचिंग, ठीक है, राउटर इन्वॉल्व होता है इसमें। और मल्टी लेयर में क्या होता है, लेयर फोर एड्रेस, लेयर फोर क्या होता है, पोर्ट नंबर,
जब डेटा पोर्ट नंबर के बिहाफ पे जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, लेयर फोर। ठीक है, मिटा दूं इसको, इतना समझ में आ गया। देखो हब का एंड स्विच का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे वर्किंग बिहेवियर ऑफ स्विच के बारे में। अब तो क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा था ना, वो तो सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर रहा था। स्विच क्या करेगा, कैसे काम करेगा, वो बात करेंगे, ठीक है। वर्किंग बिहेवियर ऑफ स्विच, देखो होता क्या है, पहले नोट कर लो, क्या करेगा, एड्रेस लर्न करेगा। एड्रेस क्या करेगा, लर्न, ठीक है, और क्या करेगा, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग करके क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, ठीक है, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन, ठीक है। और क्या करेगा, लूप अवॉइडेंस देखता है ये। लूप अवॉइडेंस मींस लूप ना बन जाए, ठीक है, तो ये भी चेक करता है, और इसके लिए प्रोटोकॉल काम करता, दैट इज एसटीपी। तो हम बाद में बात करेंगे एसटीपी के बारे में, ठीक है। ये मतलब तीन टास्क परफॉर्म करता है स्विच। जब भी स्विच के पास, देखो ये तो ऑटोमेटिक होगा ना, एसटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा, ठीक है, तो ये बाद में बात करेंगे हम, जब एसटीपी कवर करेंगे तब बात करेंगे लूप कैसे बनता है और उसे कैसे अवॉइड करता है स्विच, ठीक है। बट अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एड्रेस लर्निंग एंड फिल्टरिंग, जब हम फिल्टर करेंगे कुछ तब बात करेंगे, तो एड्रेस लर्निंग और फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लेता है वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग बिहेवियर था, स्विच क्या क्या करता है, एड्रेस लर्न करता है और फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एक लाइक ये स्विच है, ये मान लो स्विच है, ठीक है, और दो पीसेस कनेक्टेड है मेरे, ठीक है, स्विच से दो पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, और आईपी मान लो 11.1, ठीक है। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब आईपी कॉन्फ़िगर करोगे तो डिवाइस क्या मेंटेन करेगा, आरपीएबल, ठीक है। मान लो इसका आरपीए है, इसका बी है, तो ये डिवाइस आरपीएबल मेंटेन करेगा, ठीक है, ये डिवाइस भी करेगा, स्विच इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस तो ये भी करेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो इसमें क्या होगा, 10.1 होगा, मैक ए, इसके पास क्या होगा, अपना होगा, ठीक है, ऑल राइट। अभी सबके पास, अभी मैंने कुछ नहीं किया, पैकेट कोई सेंड नहीं किया है, तो अभी 11.1 का अपना है और इसके पास भी अपना है, ठीक है।
ये मान लो इंटरफेस एफ ए 0/0 0/1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो क्या होगा, इसको बोलेंगे आर टेबल, जो स्विच मेंटेन करता है उसको बोलते हैं कैम टेबल, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। और इस कैम टेबल में क्या क्या एंट्री रहेंगी, पोर्ट, ठीक है, पोर्ट रहेगा, इंटरफेस रहेगा, मैक इंफॉर्मेशन, वीलैन बाय डिफॉल्ट क्या हो रहता है, 1, वीलैन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड के लिए एंट्री को क्या करता है, स्टोर करता है। तो 1/1 सबके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, होगा क्या पहले वो बात करेंगे, जब डिवाइस कम्युनिकेट करेगा ना तो क्या होगा वो देखो। ये स्विच है, दो सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है, ठीक है, दो सिस्टम कनेक्टेड है, इसकी आईपी 11.2 मान लो, इसकी 11.1, इसकी आप टेबल में 11.1 ए मैक है। वैसे डिवाइस अपना आप टेबल आप एंट्री में अपना नहीं होता है उसका, मतलब पीसी की आप टेबल में उसके खुद की आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ठीक है। और ये आपका स्विच है, पोर्ट 0/0 पोर्ट 0/1, ठीक है, ये आपका आप टेबल मेंटेन करेगा, स्विच क्या करेगा, कैम टेबल मेंटेन करेगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ए ने बी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ए ने बी को कम्युनिकेट करना है, ये आपका लेयर टू स्विच, ठीक है। तो मैं ए पे गया, मैंने डाला पिंग 11.2, ठीक है, मैंने फिर एंटर मारा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था जैसे एंटर मारोगे आईसीएमपी पैकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ, इको मैसेज जनरेट हुआ, टाइप कोड क्या था, 8, ठीक है, टाइप कोड क्या था, 8। अब ये आईसीएमपी कौन सी लेयर पे काम करेगा, लेयर 3 पे, इथरनेट हेडर भी अटैच होगा, सोर्स आईपी 11.1, डेस्टिनेशन 11.2, ठीक है, प्रोटोकॉल 1, टीटीएल 128, समझ में आया। अब ये क्या करेगा, लेयर 2 को हैंडओवर करेगा, लेयर 2 पे आरपा को देगा, इथरनेट हेडर, इथरनेट, अगर ये इथरनेट है तो आरपा प्रोटोकॉल काम करेगा, वो क्या करेगा, इसको पैकेट मिलेगा, इसको पैकेट बोलेंगे ना लेयर 3 पे, तो लेयर 2 पे इसको क्या मिला, पैकेट। अब ये लेयर इथरनेट हेडर अटैच करेगा, लास्ट क्लास में बताया था ना, तो ये इथरनेट हेडर में क्या करेगा, सोर्स मैक खुद का तो इसके पास है ही ना, आर्प टेबल में, आर्प टेबल में, इस आर्प टेबल में खुद का तो मैक इसके पास, वैसे आप टेबल में पीसी खुद का मैक स्टोर नहीं करता है, बट इसको अपना तो पता ही होगा ना, सोर्स मैक क्या लगा दिया, ये डेस्टिनेशन क्या लगाएगा, आप टेबल में चेक करेगा एंट्री है, बट 10.11.2 की एंट्री है नहीं है, तो पैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा ना, प्रोसेस क्या होगा, होल्ड, होल्ड क्यों होगा, क्योंकि फ्रेम इनकैप्सुलेट नहीं हो पाया भाई, फ्रेम इनकैप्सुलेट हुआ नहीं हुआ, तो फ्रेम जब इनकैप्सुलेट नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये आर प्रोटोकॉल का देगा ना, वो क्या करेगा, सोर्स मैक ए, सोर्स आईपी 11.1, टारगेट मैक क्या होगा, 0.0.0, टारगेट आईपी, अरे लास्ट वीडियो में देखा था ना आपने, और अगर एक बार नहीं समझ में आया तो लास्ट वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं,
जो लास्ट वाला प्रोसेस था वो फिर से रिपीट नहीं करूंगा, एक बार नहीं है तो जो फर्स्ट लेक्चर है आप वो देख लेना, ठीक है। तो होगा क्या, ये प्रोसेस होल्ड हो गया तो क्या करेगा, ARP प्रोटोकॉल को देगा, वो क्या करेगा, सोर्स मैक ए सोर्स आईपी 11.1 टारगेट आईपी मालूम है ना 11.2 टारगेट मैक पता है नहीं पता 00 कर देगा, ऑपकोड क्या करेगा ये 1, ये क्या है ARP रिक्वेस्ट भेजेगा ना फिर से, ठीक है, ये फिर से क्या करेगा ARP रिक्वेस्ट। अब ARP कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे, जब लेयर 2 पे करेगा तो इथरनेट हेडर भी अटैच होगा, तो सोर्स मैक ए डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, बताया था ना ARP रिक्वेस्ट क्या होता है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, टाइप कोड किसका आएगा, किसने दिया ये, ARP प्रोटोकॉल ने दिया है ना, तो टाइप कोड किसका आएगा, ARP प्रोटोकॉल का, ये डिटेल कंप्लीट हो गई तो फ्रेम क्या हो जाएगा इनकैप्सुलेट, फ्रेम क्या हो जाएगा इनकैप्सुलेट, लेयर 1 पे देगा, लेयर 1 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके किसको भेज देगा, स्विच को। ये सारा काम तो भाई ये जितना काम अभी बताया वो तो कंप्यूटर ने किया ना, अभी क्या भेजेगा, इंफॉर्मेशन किसके पास आई, स्विच के पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसके पास आई, स्विच के पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसके पास आई, स्विच के पास, तो स्विच लेयर 2 डिवाइस है, ठीक है, स्विच क्या है, लेयर 2 डिवाइस है, तो लेयर 2 हेडर को ओपन करेगा, ठीक है, लेयर 2 हेडर में ये देखो, लेयर 2 हेडर जब ओपन करेगा तो डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट है ना, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट है, बट व्हेन ऑर्गन व्हेन डेटा रिसीव्ड ऑन स्विच देन स्विच परफॉर्म टू टास्क, आपको बताया था ना टू टास्क, पहला क्या करेगा एड्रेस लर्निंग, सोर्स क्या है ए, कैम टेबल में मेंटेन करेगा ए, ठीक है, सोर्स बताया था ना पहला टास्क क्या है एड्रेस लर्निंग का, ठीक है, पहला टास्क क्या है एड्रेस लर्निंग का, तो क्या करेगा ए लर्न कर लिया इसने, किस पोर्ट पे लर्न किया है, सपोज 0x1, तो 0x1 पे लर्न कर लेगा, आईपी रहेगी, आईपी नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, लेयर 2 का डिवाइस है, तो आईपी को समझेगा, आईपी को तो समझेगा ही नहीं ना, तो लेयर 2 का डिवाइस है, ठीक है, तो क्या कर लेगा, इसने टाइम टेबल मेंटेन कर ली, और दूसरी बात यह ऑटोमेटिक लर्न कर रहा है ना, ये मैक एड्रेस आपने तो नहीं दिया है, ठीक है, तो टाइप में क्या आएगा डायनेमिक, टाइप में क्या आएगा डायनेमिक, ये जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना आपको पैकेट ट्रेस और GNS पे तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट थ्योरी देखो कंसेप्ट जो है आपको थ्योरी से ही क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी से ही आते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करेंगे 2-3 क्लासेस के बाद, तो 2-3 टॉपिक के बारे में हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो आप टेबल में इसने कैम टेबल मेंटेन करी, कैम टेबल में इसने मैक कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है, डायनेमिक VLAN बाय डिफॉल्ट 1 होता है और 300 सेकंड के लिए इसने अपडेट कर लिया, ठीक है, एड्रेस लर्निंग से क्या करता है स्विच, एड्रेस लर्निंग से कैम टेबल को अपडेट करता है, ठीक है, दूसरा टास्क क्या है फॉरवर्डिंग डिसीजन, तो फॉरवर्डिंग क्या है डिसीजन, डेस्टिनेशन क्या है ऑलएफ, तो क्या कर देगा ये ब्रॉडकास्ट, क्या कर देगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है,
क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। तो देखो होता क्या है, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, अगर और भी पीसी कनेक्टेड होंगे ना उसको भी कर देगा। देखो अब भी यही कर रहा था, स्विच भी वही कर रहा है, बट स्विच क्या कर रहा है, टाइम टेबल मेंटेन कर रहा है ना, स्विच क्या कर रहा है, टाइम टेबल मेंटेन कर रहा है, ठीक है, स्विच क्या कर रहा है, टाइम टेबल। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए टाइम टेबल मेंटेन कर रहा है ना, टाइम टेबल इसने क्या करी, मेंटेन करी, ठीक है। अब जो डेस्टिनेशन है ऑल एफ, तो क्या करेगा, ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा ना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट था, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया, ठीक है। अब देखो यार होता क्या है, अपने दो से तीन टाइप के फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग टाइप, ठीक है, ये तो कौन सी है, ब्रॉडकास्ट है ना, दोनों को भेज दी इसने, तो क्या कर रहा है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट। तो अब ये दोनों मान लो दो डिवाइस कनेक्टेड है, तो दोनों के पास इंफॉर्मेशन आई, डेस्टिनेशन क्या, ब्रॉडकास्ट, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, बट टारगेट किसका, आईपी क्या, 11.2 इसका है ना, ये तो डिस्कार्ड कर देगा भाई, इसके पास दूसरी कोई आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी होगी ना हमने, ये डिस्कार्ड कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो बी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि खुद की आईपी है इसकी, ऑपकोड क्या है, ऑपकोड क्या है, वन वन मीन्स आर्प, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट भेज रहा है कोई, ठीक है, तो अभी क्या भेजेगा, आर्प रिप्लाई, क्या भेजेगा, आर्प रिप्लाई, समझ में आ रहा है ना। देखो देखो हुआ क्या, एक स्विच कनेक्टेड है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया क्या है, एक स्विच कनेक्टेड, ठीक है, सब वो इसे दो पीसी कनेक्टेड है, एक पीसी इससे कनेक्टेड है, इधर 11.1 है, इधर 11.2 है, इधर 11.3 है, ठीक है। मैं पीसी 1 पे गया, मैंने कमांड डाली 11.1.1, ठीक है, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, एंटर मारते ही आईएसएमपी प्रोटोकॉल वर्क करेगा, इको मैसेज जनरेट करेगा एक, ठीक है, लेयर 3 पे आईपी एड्रेस अटैच होगा, सोर्स आईपी 11.1, डेस्टिनेशन 11.2, टीटीएल फाइल विल 128, प्रोटोकॉल 1, ठीक है, और लेयर 3 पे, लेयर 2 पे क्या होगा, सोर्स मैक ये इसको पता, डेस्टिनेशन इसको पता नहीं होगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, कौन आएगा फिर, एआरपी प्रोटोकॉल आएगा, वो क्या करेगा, सोर्स मैक क्या होगा, ए सोर्स आईपी क्या रहेगी, 11.1, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, 11.2, और डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा, 0000, ऑपकोड क्या रहेगा, 1, क्योंकि आर्प क्या है, आर्प रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, और ये लेयर 2 का है, तो ईथरनेट हेडर भी अटैच होगा, सोर्स मैक क्या होगा, ए डेस्टिनेशन क्या होगा, ऑल एफ, आर्प रिक्वेस्ट ऑल एफ ब्रॉडकास्ट, और टाइप कोड क्या रहेगा, 00806, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आएगी स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, अपना कैम टेबल अपडेट करेगा, क्या है कैम टेबल में, क्या ब्रॉडकास्ट है ना, तो ये तो ब्रॉडकास्ट कर देगा, बट पहले एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स क्या है, 0 ए है ना, सोर्स ए किस पोर्ट पे लर्न हुआ है, 0/0, तो 0/0 डायनेमिक लर्न हुआ है, हमने तो नहीं करवाया, और बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड, इतना समझ में आ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन आएगी इसके पास भी, इसके पास भी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट किया है, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है, एक्सेप्ट कर लेगा, डेस्टिनेशन क्या है, आर प्रोटोकॉल के पास 11.2, ये एक्सेप्ट करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, ऑपकोड आर्प रिक्वेस्ट, तो ये क्या भेजेगा, अब आर्प रिप्लाई, पीसी टू क्या करेगा, आर्प रिप्लाई, आर्प रिप्लाई में क्या होगा, आर्प रिप्लाई में क्या होगा, सोर्स आईपी 11.2, ठीक है, बट एक चीज और,
जैसे इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी तो आप टेबल भी मेंटेन कर लेगा ना, पीसी टू क्या मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा ये वाला जो मैक है और ये जो आईपी है मुझे रिसीव हुआ, तो क्या अपडेट करेगा, ए 11.1, ठीक है, 11.1 का मैक क्या है ए, तो सोर्स आईपी ये, सोर्स मैक क्या है इसको अपना बी, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगी 11.1, मैक क्या रहेगा ए, सेंड कर देगा ये ऑफ पोर्ट लगा के टू, ठीक है, ये सेंड करेगा स्विच के को दोबारा इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो देखो स्विच क्या करेगा, फिर से एड्रेस लर्निंग, सोर्स क्या है 11.2 और है क्या बी, उसका मैक क्या है बी, तो पहले स्विच के पास देखो, पहले स्विच के पास एक था, स्विच के पास जो कैम टेबल में एंट्री थी वो क्या थी 11.1 थी, गाइस प्लीज होल्ड, हेलो हाँ हूँ, क्या हो आया हूँ दोस्त के पास, ठीक है, पहले क्या थी एंट्री 11.1, उसका मैक क्या था ए, ठीक है, स्विच ने डायनेमिक लर्न किया था और एंट्री 300 सेकंड के लिए, ये बाद में बात करेंगे 300 सेकंड की क्यों होता है, 300 सेकंड के लिए स्टोर हो गई। अब जो इसने पीसी टू ने द्वारा भेजा इसके पास, फिर से एड्रेस लर्न किया इसने, अरे गाइस पीसी आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, ठीक है, मैक की इंफॉर्मेशन रखता है, तो इसने क्या किया, ए मिला था इसको 0/0 पोर्ट पे, अब ये जब ये पीसी टू भेजेगा तो इसको क्या मिलेगा 0/1 पोर्ट पे, बी मैक है वो भी डायनेमिक रेज हुआ है, ठीक है, और ये भी 300 सेकंड के लिए क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है, ये स्विच की कैम टेबल है, अपडेट हो गई, ये क्या है आर्प, यार रिप्लाई है ना, आर्प रिप्लाई में डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट क्या है, यूनिकास्ट है ना, तो ये इसको भेज देगा, इसको भी मिलेगा, तो ये भी अपना आर्प टेबल क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा ना 11.2, उसका क्या है बी, मतलब तीनों डिवाइस ने अब आप टेबल क्या कर लिया, अपडेट कर लिया, समझ में आया, देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, अब मैं ये बता रहा हूं आपको, ये कैम टेबल है स्विच की, ये आर्प टेबल है और ये आर्प टेबल, ठीक है, इनिशियली तो किसी के पास किसी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, 0/0 पोर्ट 0/1 11.1 11, ठीक है, ये स्विच है, ठीक है, जब इसने हमने पिन किया 11.1.1.2, ठीक है, जब स्विच के पास आया, स्विच ने अपनी कैम टेबल अपडेट करी क्या, कि मेरे को 0/0 पोर्ट पे एक सोर्स ए मैक आया है, ठीक है, सोर्स ए मैक आया है और वो मुझे डायनेमिकली अपडेट हुआ है 300 सेकंड, ठीक है, स्विच ने कैम टेबल अपडेट करी, दूसरा टास्क क्या था,
टेक फॉरवर्डिंग डिसीजन, ठीक है, टेक फॉरवर्डिंग डिसीजन। स्विच अपनी कैम टेबल में अपडेट चेक करेगा, जैसे राउटर राउटिंग टेबल अब चेक करता है, स्विच कैम टेबल चेक करेगा। कैम टेबल में डेस्टिनेशन की एंट्री है 11.2 की, नहीं है ना? 11.2 मतलब जो बी डेस्टिनेशन में बी है, बी की एंट्री तो है नहीं, तो स्विच क्या करेगा, जब भी कैम टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। स्विच ने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट। अब इसने चेक किया तो आर्प रिक्वेस्ट था ना, वो ये क्या भेजेगा, आर्प रिप्लाई। इसने आर्प रिक्वेस्ट भेजा था ना, तो इसके ऊपर एंट्री नहीं थी, इसने बोल क्या बोली थी, आर्प रिप्लाई भेज दिया। इसके पास आर्प रिक्वेस्ट आया, इसने अब क्या कह दिया, आर्प रिप्लाई भेज दिया। तो स्विच को फिर से एक टाइम रिसीव हुआ, फिर से एड्रेस लर्निंग करेगा क्या, 0/1 पोर्ट पे मेरे को बी एक मैक रिसीव हुआ है विच इज डायनेमिकली और 300 सेकंड। बट जब इसके पास आया था, इसने भी आर्प टेबल अपनी अपडेट करी थी, क्या 11.2 का मैक एड्रेस क्या था, ए। स्विच फिर से यूनिकास्ट करेगा, इसके पास आएगा, ये अपनी आर्प टेबल मेंटेन कर लेगा, क्या 11.2 का मैक क्या है, बी। इतना समझ में आया, ठीक है। और जब पिंग करोगे, पहला पैकेट क्या हो गया, ड्रॉप, 2 सेकंड खत्म हो गया, आर्प टेबल में एंट्री नहीं थी तो खत्म हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, स्विच ने अभी क्या किया, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्यों किया, जब स्विच की कैम टेबल में एंट्री नहीं है डेस्टिनेशन मैक के लिए तो स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। अब देखो अब स्विच क्या करेगा, पहला पैकेट ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब डिवाइस दूसरा पैकेट जनरेट करेगा, दूसरा पैकेट जब जनरेट करेगा फिर से वही आईसीएमपी ई को मैसेज जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद आईपी हेडर, ठीक है, उसके बाद इथरनेट हेडर देख लेते हैं। देखो इस बार इसकी कैम टेबल में एंट्री, आप टेबल में एंट्री आ गई ना दोनों की, ठीक है। तो लेयर टू पे क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, सोर्स मैक डी डेस्टिनेशन मैक, ए जनरेट करा सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन क्या होगा, आप टेबल लुकअप करेगा, आप टेबल में एंट्री है ना, तो बी, और उसके बाद टाइप कोड 0x0800 IPv4 का एंट्री आएगी इसके पास, फिर से एड्रेस लर्न करेगा ना, ये 0/0 पे क्या है, ए, 0/0 पे ए है ना, ठीक है। अपडेट कर लेगा फिर से, ये टाइम डिक्रीज होता रहेगा तो इसको फिर से दोबारा 300 सेकंड के लिए अपडेट कर लेगा। नाउ टेक फॉरवर्डिंग डिसीजन, तो डेस्टिनेशन क्या होगा, बी, बी देखेगा है मेरी कैम एंट्री में, है, कौन से पोर्ट पे, 0/1 पोर्ट पे, भेज देगा, बी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि लेयर टू पे डेस्टिनेशन क्या होगी, आईपी 11.2 होगी ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेयर टू पे भी डेस्टिनेशन मैक खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा, लेयर थ्री पे भी खुद का है, वो क्या होगा, क्या भेज रहा है, ये इको रिक्वेस्ट भेजा ना इसने, अब ये क्या भेज देगा, इको रिप्लाई, फिर ऐसे चला जाएगा, समझ में आ गया। तो स्विच ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है, बट अभी क्या कर रहा है, स्विच यूनिकास्ट। अगर यहाँ पे एक सिस्टम और कनेक्ट होगा ना, बट एक कैम टेबल में चेक करेगा 0/1 पोर्ट से भेज देगा, इसका 0/2 पोर्ट होगा तो इसमें जाएगा ही नहीं, इसी पोर्ट से भेजेगा ना, तो ये क्या कर रहा है अभी, यूनिकास्ट। स्विच कैन डू यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कब करेगा, नो एंट्री नो डेस्टिनेशन मैक इज अवेलेबल, नो डेस्टिनेशन मैक अवेलेबल इन कैम टेबल, जब कैम टेबल में एंट्री नहीं होगी ब्रॉडकास्ट करेगा, कैम टेबल में एंट्री मिल जाएगी तो यूनिक
जिसको भेजना होगा उसको भेजेगा, यूनिकास्ट करेगा, समझ में आया। तो ये स्विच का बिहेवियर है, स्विच क्या करेगा, पहले एड्रेस लर्निंग, सोर्स का जो एड्रेस होगा उसको लर्न करके कैम टेबल में अपडेट करेगा, और क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, ठीक है। ये स्विच का बिहेवियर है, स्विच कैसे काम करता है उसका है, ठीक है। अब थोड़ा राउटर के बारे में देख लेते हैं, हेडिंग डालो राउटर, ठीक है। और राउटर के बारे में लिखो, इट इज लेयर थ्री डिवाइस, मींस वर्क ऑन विच लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। पहले हम 11.1 11.2 यूज कर रहे थे, सेम नेटवर्क में है ना, लाइक अगर 11.1 20.1 30.1 इनमें हम बीच में कम्युनिकेट कराना है डिफरेंट नेटवर्क में है ना, तो हम राउटर यूज करेंगे, ठीक है। राउटर इसमें लिखो, एवरी इंटरफेस ऑफ राउटर इज इन डिफरेंट नेटवर्क। एक राउटर यहाँ है, इस पे पोर्ट मल्टीपल है, ठीक है। आप 10.1 20.1 192.168 दे सकते हो ना, कोई सी पोर्ट पे कोई भी डिफरेंट टाइप भी दे दो। तो एवरी इंटरफेस ऑफ राउटर इज इन कैन बी अ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। आप किसी भी पोर्ट पे कोई भी डिफरेंट नेटवर्क दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राउटर वर्क ऑन फुल डुप्लेक्स, ठीक है। और इसको लेयर थ्री डिवाइस क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखो, इट इज कॉल्ड लेयर थ्री डिवाइस बिकॉज इट फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑन बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई राउटर कॉल्ड लेयर थ्री डिवाइस, बिकॉज whenever it send the packet from source to destination, then it forward on the basis of layer 3 address, which is IP address, ठीक है। तो और switch, why switch called layer 2 device, because switch forward the packet or forward the data from source to destination on the basis of layer 2 address, which is MAC address, पता था ना आपको, लेयर टू एड्रेस कौन सा, आईपी मैक एड्रेस, लेयर थ्री आईपी एड्रेस, लेयर फोर इज पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये वर्किंग बिहेवियर था राउटर स्विचेस और हब के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इनका एक जैसे हमने दो सिस्टम कनेक्ट करके चेक किया था, एक बार राउटर से कनेक्ट करके और स्विच कनेक्ट करके पीसी को, तब एक बार चेक करेंगे क्या पैकेट फ्लो रहेगा, डिवाइस कैसे रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर गाइस।